चुपके चुपके पापा पापा मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ पापा। एक्सक्यूज मी, पार्टी तेरी, शराब तेरी, ये चीजें तेरी, तो घर पहले कौन करेगा? मैं आपको क्या बात कर रही है? तू मेरी आदमी है, मेरे जितना घने तो मेरे नहीं है, लेकिन कुछ तक तो है। एक बात बता पुत्र, दुनिया नहीं, ये बीवियां शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे बीविया मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है? पापा आपने एकदम सही कहा, मैं इसी टॉपिक पे गल करना चाहता हूँ आपसे, टिकटो। क्योंकि ये शादी वगैरह ना बहुत मुश्किल चीज होती है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। क्या प्यारी बात की तुम, क्या बताऊं, वेजिटेरियन शेरनी के गुफा में रहने ऐसी मुश्किल। वेजिटेरियन शेरनी? हाँ पुत्र, वो तुम्हें खाएगी नहीं क्योंकि वो वेजिटेरियन है, लेकिन डराती रहेगी दाड़े मार मार के। आओ पापा, या तो मैंने ज्यादा पी लिया है या आपकी बातें बड़ी डीप हो रही है। ये तो कर रहा हूँ पुत्र, मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं इतना बदल जाता है पुत्र, बीवियां बदल जाती है। From a beautiful butterfly, वो caterpillar बन जाती है। Caterpillar? हाँ, जैसे एक अजीब सा caterpillar beautiful butterfly बन जाता है, बीवियों का उल्टा है, वो butterfly से caterpillar बन जाती है। Caterpillar का पता नहीं, लेकिन ये बीवियां सड़ियां इतनी हो रही हैं। एकदम सड़ियां, एकदम सड़ियां। फीमेल गोगैम्बो जैसी हो। गोगैम्बो तो फिर भी खुश हो जाता है, लेकिन ये बीवियां कभी खुश नहीं होती है। कभी किसी बीवी को बोलते सुने? मैं खुश नहीं। अरे इन्हें सैंटा क्लॉस खुश नहीं कर सका, हम लोग तो इंसान है। इंसान इंसान या तो शादीशुदा हो सकता है या तो खुशहाल हो सकता है, दोनों कभी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा बोलते हैं? हर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मराना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ।